facebook.com/radiowanita.mum and do tell me. I'd love to. What is it? How to play? I'll explain. Mirchi ka chhata jeetna hai, to phatak se call karna. Radio Vichita 98.3 FM par. Dosto, aapke paas apne jo visharjan vishay ki koi mahiti hai, to chokkas aap phone aa jao, chokkas aap phone upar na karo dial. 2280118 and 2280119. हमारे चार बच्चे थे, हमारी सास थे, हमारे ससुरे थे, सब साथ में रहते थे हम। पहले हम लोग अंकल की बिल्डिंग के यहाँ पे पास में ही रहते थे, कि जो नेक्स्ट नया डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, एक चौल थी, यहाँ पे रहते थे। कुछ 350-400 रुपया पगार थी, फिर वो पगार बढ़ते गई 5-6 महीने 8 महीने के बाद में, आखिरी में वो पगार कुछ 1150-1200 रुपया तक आ गई। अंकल ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, स्कूल की फीस से लेकर के पॉकेट मनी, कपड़ा, चप्पल एंड बुक्स वगैरह जो भी रहा वो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट रहा तो वो पढ़ाने के लिए। यहाँ नहीं आता तो कुछ और होता, जैसे नॉर्मल सब लोग पढ़ते हैं और नॉर्मल छोटा मोटा कोई काम करता है, ऐसा ही कुछ करता। अंकल के पास आया तो कुछ सीखने मिला अलग। जवानी में जो जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था हमने, एक हसीन हिंदुस्तान का, जहाँ जहाँ गेहूँ की बारियाँ लहला रही हैं, जहाँ कारखाने धुएँ उंडेल रहे हैं, जहाँ एक साथ हज़ारों लोग काम करने जा रहे हैं, हज़ारों लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, जहाँ बच्चों की एक फ़ौज है, एक नए हिंदुस्तान की तामीर कर रहा है, बच्चों की बड़ी फ़ौज है, एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। हम तो उस दौर के मुसाफिर थे और हमारा सफ़र वहीं से शुरू हुआ था जवानी के दिनों में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, शायद हम भी बदलते गए और बदलाव की इस घड़ी में हम आगे कहाँ पे जोगेश्वरी, जबकि हमारी ज़िंदगी का पड़ाव करीब था। हम फिरोज अशरफ सुरभि के राइटर, एक दो सीरियल का और भी काम था, अखबारों में लिखते थे, ये सारे हंगामे छोड़ करके कि बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला क्यों शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया, उसमें एक तो मेरा जज्बा था ही, उनकी सोबत, उनकी बातें, उनसे गुफ्तगू,
उनकी मुसीबतें उनकी परेशानियाँ, वो एक अजीब सा एहसास देने लगा। हमने कहा यार बॉम्बे में इतने साल से रहे, कभी इन बच्चों के जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज कहलाते हैं, एक वक्त पता नहीं सुबह में खाते रात को खाते कि नहीं खाते मालूम नहीं, जिनका रहने का जिनका रहन सहन का ढंग जो है हमसे बहुत दूर है, बहुत अलग है, और जिसको गरीब कहते हैं वास्तव में हकीकत में जिसको गरीब कहते हैं ये वो लोग हैं यार। हम इनसे इतने दूर है, अब तक रहे बॉम्बे में इतने साल रहे, कहाँ रहे हम बॉम्बे में इतने साल। जब इनके घरों हमने जाना शुरू किया तब देखा कि ये तो एक अजीब हालत है उनके घरों में, घर जो घर बोलते हैं वाकई में अगर घर कहलाएगा तो फिर घर क्या होगा, खुदा के लिए उसको घर ना कहिए। वहाँ 80-80 घर है, 80-80 खानदान रहते हैं, 80-90 खानदान है, 4-3 टॉयलेट होते हैं, वहाँ पानी का 2 नल होता है। अब बताइए वहाँ के बच्चों को आप कह रहे पढ़िए, पढ़ते नहीं हैं लोग, नहीं पढ़ते कौम नहीं पढ़ती, अरे कहाँ से पढ़ेगी, घर में पानी नहीं है, खाने को नहीं है। इनके ख़ानदान में ना लड़के ना लड़कियाँ कोई स्कूल जाता नहीं था, और इनके घरों में ख़ानदान कहा जाता था कि हमारे यहाँ पढ़ने या पढ़ाने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़के तो दूर की चीज़ है, लड़के भी नहीं पढ़ते, लड़के जो थोड़े बड़े होशमंद होते हैं तो काम करने लगते हैं, उनके लिए अर्निंग मेम्बर है वो लड़के, और लड़कियाँ जो है सो वो घरों में बैठती हैं, वो ज़्यादा छोटा मोटा काम करती हैं, बहुत हुआ तो ख़त लिखने के लिए या छोटी मोटी पढ़ाई मदरसा की ये मजहबी तालीम मिल गई उनके पास हो गई, वही उनकी पढ़ाई बस। 16-17-18 साल की उम्र में शादी कर देना और 20-22 साल होते थे 2-4 बच्चों की माँ बन जाए, ये हालात उनकी ज़िंदगी के जो चल पैटर्न बन गया ज़िंदगी का इस तरह से। उन हालात में आपको बच्चों हमारा क्लास जो है हमारा इंस्टीट्यूशन जो इस तरह से हुआ, फ्री कोचिंग क्लास जो हमारा इस तरह से उन हालात में शुरू हुआ। कौन सी क्लास में बोलो? पारुल स्कूल मालूम है? हाँ, वेरी गुड। ये फर्स्ट में है और वो सेकंड में, थर्ड में। अब क्या चाहिए इनको अभी? सर शूज़। शूज जो मैं लिस्ट लेके आई थी ना, हाँ। वो इन लोगों की लिस्ट थी, ले लिए? नहीं अभी नहीं लिए, ले लेंगे, वो मंगाने वाले थे कल, तो मेरा भाई ना छोटा वाला उसकी ना उसको बुखार ना दिमाग में चढ़ गया था, हाँ। तो उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो फिर पैसे उसमें खर्चा कर दिए। अच्छा नोटबुक वगैरह लिए? नहीं सर, पहले पैसा दिया था ना कुछ सबको? हाँ सर, वो उसके लिए वो तो ले लिए थे ना जो आपको दिखाए थे सब सामान। 500-300 उसकी तो यह हालत थी कि माँ वो कंस्ट्रक्शन के काम में माँ कुछ काम करती थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होते उसमें वो रहते थे, और माँ काम वाली का काम करके वो कुछ अपना बच्चा कुचा कुछ लाती थी वही खाते थे। अब इन बच्चों को कभी भूख लगती थी तो यह हालत थी कि वो वहाँ जो कबूतर घोंसला बनाते वो घोंसले के अंडे निकाल के खाते थे। बड़ी मुश्किल से 35-40% नंबर आया अंग्रेजी में। अब साहब एडमिशन होना, आप सोचिए आप क्या मुसीबत होगा, बहुत मुसीबत हुई एडमिशन होना। आप यकीन नहीं करेंगे, दादर से लेके कांदीवली तक ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां मैं धक्के नहीं खाई होगी। तो एक दिन ऐसे ही थके हारे मैं चाचा जी के घर पे आके बैठ गई कि चाचा जी मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। ये इंसान हार्ट का मरीज था जो यहाँ से वो 10 कदम बिना किसी के सपोर्ट के चल नहीं सकता था। मेरा डॉक्यूमेंट उठाया, मुझे लिया, हम लोग IY कॉलेज में गए। बहुत रिक्वेस्ट किया, उठे कि नहीं? हमने जैसे आपने कहा आपके सर से सामने से उठे कि नहीं जब तक इसका एडमिशन नहीं लीजिएगा? तो कहने लगे कि उन्होंने कहा कौन है आप इसके, तो हमने अपना कार्ड दिया, तो कार्ड में देखा नाम मेरा, देखा फिरोज अशरफ और लड़की का नाम गीता, गीता नाम लड़की का। तो ये क्या है? तो नहीं साहब हमने इसको एडोप्ट किया है, तो हमने कहा नहीं साहब इसको पढ़ाना है, बड़ा चैलेंज है साहब। तुरंत उन्होंने क्या किया,
ऑर्डर पास किया उसका नाम लिखाने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इंसान ने इनके पॉकेट में जितना पैसा था सब मेरे सामने रख दिया। जा तू अभी के अभी जाके फीस भर के आ। बोले चाचा जी आपके लिए, तू जाके फीस भर के आ। जो इंसान तो इंसान 10 कदम बिना किसी सपोर्ट के चलता था, वो कॉलेज से लेके नीचे तक चल के आए बिना पैसों के। जिन्होंने मेरा मेरे सामने पूरा पैसा डाल दिया कि जा तू पहले फीस भर के आ। चाचा जी की वो बात मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। और इनसे मैंने एक वादा किया था, अब मैं फेल नहीं होंगी, 11th से लेके 15th तक अब मैं बिल्कुल फेल नहीं होंगी। और मैंने वही करके दिखाया। तो यहाँ नहीं आता तो शायद कुछ और होती लाइफ, नॉर्मल छोटा मोटा कोई काम करता ऐसा ही कुछ करता। अंकल के पास आया तो कुछ सीखने मिला अलग, थोड़ा सोचने का बात करने का तरीका भी बदल गया अंकल के साथ में रहते रहते। यहाँ पे एक मेरा दोस्त था सनी करके, उसकी मम्मी अंकल के पास काम करती थी। तो सनी को पढ़ाने के लिए एक दिन उसकी मम्मी ने अंकल से पूछा तो सनी यहाँ पे पढ़ने के लिए आने लगा। तो सनी ने हम लोग को भी बताया, तो हम लोग भी अंकल के पास आने लगे। सो तब से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। फिर 6th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मैंने, एंड आई गॉट 8th रैंक इन माई क्लास। देन 7th में आई गॉट अ 3rd पोजिशन इन माई क्लास। देन 2nd, 1st, 8th, 9th, 10th कम्प्लीट हुआ ऐसे ही। क्या करना है अंकल पूछते रहते थे, आपको क्या करना है आपको क्या करना है, हम बताते थे हमको शिप पे काम करना है। 10th हो गया, 10th के बाद तो कोई चांस नहीं था डायरेक्ट जाने का, लेकिन 12th के बाद में एक ऑप्शन मिला। अंकल के कोई फ्रेंड थे नूसी में, नेशनल यूनियन सी फेयर में, तो अंकल ने उनसे बोल के एक एडमिशन फॉर्म मंगाया। फॉर्म मैंने फिलअप करके दिया, तभी एक्चुअल में इमीजिएटली इतना फॉर्म आया और मेरे को इमीजिएटली फ़ीस भरना था। तो अंकल ने अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के और मुझे तभी 46,000 दिया था। किसी तरह से वक्त गुजरता गया, एक दो टीचर हायर किया हमने, दोस्त लोग आके देखते थे, किसी ने बनाए कलम दे दिया, किसी ने कुछ नोटबुक दे दिए, इस तरह से चलने लगा छोटा मोटा अपना कारोबार चलने लगा। रजा कलरा साहब के दो मैनेजर, टॉप मैनेजर हमारे पास आए, घर पे आए, बहुत तारीफ किया हमारी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाया आपने वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कि लॉटरी निकल जाए मेरे नाम से। क्या चाहिए वो रजा कलरा पूछ रहा है, अरब पसी आदमी। अब कहा सर, हमने कहा सर हमको क्या चाहिए, उस वक्त मुँह से निकल गया जो हमारी ज़रूरत भी थी, हमको एक कमरा चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लासरूम नहीं है मेरे पास, एक चाली में एक रूम पसंद किया हमने। वो लोग हंसते लगे मैनेजर लोग, अरे साहब रजा का लाना आपको दे रहा है, ओपन किया ऑफर ओपन है, आप जो है सर साहब चाली में ले रहे हैं साहब, आप कोई फ्लैट ले लीजिए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, एक तो शायद ऐसा लगा हुआ एहसास हुआ जो गलत है, शायद गलत भी है मेरा एहसास कि हमारे बच्चे पता नहीं वो फ्लैट के झोपड़पट्टी के जो उनका घर है जहाँ चालियाँ हैं उससे एक फ्लैट के माहौल में पता नहीं कुछ उसमें फ़र्क आ जाए उनकी सोच में उनके इसमें। छोटी थी और मेरे मन में शायर ने वतन को किन लफ्जों से याद किया है, पहले मन में शायर ने किस्मत दौलत इज्जत जन्नत इन लफ्जों में याद किया है। कभी उस पुल पर बैठती, कभी उस पुल पर वो, मैं 7th में फेल हो गई और मेरी बड़ी सिस्टर भी थी वो भी फेल हो गई और बाकी दूसरे लोग भी थे फेल हो गए। सब फेल होने वाले पे हमें बड़ा तरस आता है, फेलियर का जो दुख है वो हम खुद जानते हैं, चूँकि हम खुद फेल हुए हैं। इंटर साइंस में एक ज़माने में हम फिजिक्स में बहुत फेल हुए, 2 साल फेल हुए, तो फेल का जो दर्द होता है, फेल हुआ बच्चा लगता है वो समाज से, घर से, ख़ानदान से, दोस्तों से, सबसे जो है वो उसको गालियाँ मिलती है, उसको सब उसे बुरा भला करते हैं, उसका दुख कौन समझेगा। कम से कम हम तो बहुत समझते थे,
तो यही लड़की बताया गया कि भाई ये तो अंकल ये जो है सो फेल हो गई है, जरा इसको पढ़ा के दिखाइए आप, तो हम जाएंगे। हाँ जरूर पढ़ाएंगे, आ जा बेटा। सबको लेकर के उन्होंने अंदर बिठा दिया, बिठा करके हाथ में बुक थमा दी। फिर अंकल के पास बैठे तो अंकल एंड उनकी वाइफ आंटी दोनों ने मिल के हमको फिर पढ़ाया आगे, फिर जो कंटिन्यूसली पढ़ते गए माशाल्लाह से बीच में फेल नहीं हुए, कंटिन्यूसली ग्रेजुएशन किया। तो खासकर लड़कियां हमारे पास आने लगी और फिर उनको इंग्लिश मराठी और दूसरे भी सब्जेक्ट्स जिसमें वो वीक रहते थे तो हम उनको गाइड करने लगे। व्हाट हैपेंड, व्हाई डू व्हिच मार्केट, गुटे मार्केट एंड मेरी मार्केट, बट यू लाइक टू वेयर दी हिंच पैंट, यू लाइक टू वेयर, मादर एंड फादर दे डोंट लव यू। जो गली से एक औरत वहाँ मिलने के लिए गई अंकल के यहाँ, तो देखिए लड़कियाँ पढ़ रही है, तो उन्होंने बोले कि आप वहाँ पढ़ा रहे हो जोगेश्वरी में, तो यहाँ भी शुरू करो, यहाँ भी लड़कियों को ज़रूरत है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कहीं ट्यूशन में डालें। हम गए थे मिलने के लिए जगह देखने के लिए, तो नोटबुक हमको याद है, नोटबुक का किताब लेके बच्चे आ गए जैसे कि हम उनको पढ़ाएंगे वहाँ। शरीफ साहब उसी तो निकाला हमने किसी तरह से, अब वहाँ पढ़ाएंगे कैसे हम। एक बड़ी मुसीबत, एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी मेरे सामने में, एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, कितना पढ़ी हो तुम, तो बोली मैट्रिक पास हूँ मैं। हम बोला ऐसा करो तुम यहाँ पढ़ाओ, इस पढ़ाओ, जगह कहाँ से मिलेगी, तो जो खवातीन हमको लेके गई थी यहाँ से उनमें से एक का घर जो है मिल गया हमको, घर का जो बाहर का कमरा था वो यहाँ पढ़ा सकते हैं आप, इसलिए घर का मसला जो है जगह का मसला हल हो गया, घर में पढ़ाएंगे। टीचर मिल गई हमको, लड़के मिल गए, हमको क्या करना है फिर। एक दूसरी टीचर हमारी मिल गई नीलोफर, ये भी पढ़ती थी, अंकल हम ही पढ़ेंगे। इस तरह क्या हुआ, ये लड़कियाँ जो हमारे हमसे पढ़ रही थी पास कर रही थी, ये लोग जो है बच्चों को जमा करती थी पढ़ाती थी। मुझे फैमिली में सपोर्ट देने वाली मेरी मम्मी है, क्योंकि डैडी को ऐसा था कि सेवेंथ पढ़ लिए तो बस लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने भी अपनी पढ़ाई की। थोड़ा मम्मी डैडी के बीच में बातचीत होती थी तो फिर अब्बा बाहर चले गए और उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। मैं 3 साल से रेहाना मिस के पास पढ़ रही हूँ और पढ़ रही थी एक्चुअली, और अंकल क्लासेस में तो मुझको अच्छा लगा, मतलब बहुत इंटरेस्ट से अच्छा लगता था मुझको यहाँ पर पढ़ने के लिए। अभी भी मुझको अगर ज्वाइन करने मिल जाए तो मैं ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं आगे जाके बैंकिंग करना चाहती हूँ और मैं घर वाले तो अभी मना कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन अंकल ने हम लोगों को इतनी तारीफ दी है कि मतलब हम लोगों को लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त तो नहीं है और हम लोगों में मतलब कोर्स करना और काम करना भी नहीं चला करने देते उम्मीद नहीं है, लेकिन अंकल ने ये बताया है कि लड़कियों को करना भी चाहिए, लड़कियों की तरक्की से ही अपना देश आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आगे भी करना चाहती हूँ, लेकिन आगे पढ़ाई करने नहीं मिल रही। अरे आना पहले घर पे बहुत मतलब बोले कि पढ़ाई करने दो, लेकिन भाई है जो इतना मान रहे हैं और लड़कियों को ज़्यादातर बाहर फ्रीडम ही नहीं है, बाहर नहीं जाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो आगे तो पढ़ाई हो नहीं पाई, जॉब की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आना पाने 12th तक बहुत सपोर्ट किए, बहुत पढ़ाए एकदम घर की तरह। सना फिर से जाएंगे हम लोग, यूनिटी बना के जाएंगे तेरे घर में तेरे भाई को मनाने के लिए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले साल फिर से एक बार, हिम्मत नहीं हारने का। सना तेरा भाई का मोबाइल दे रहा था कि रो मत बोल के, पढ़ेंगे यानी बच्ची पढ़ेंगी आगे, टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ फिर समझाएंगे, फिर जाएंगे, हिम्मत नहीं हारने का, एक बार नहीं बोलेंगे, दूसरी बार नहीं बोलेंगे, तीसरी बार तो हाँ बोलेंगे ही ना।
दो दिन के लिए खाना छोड़ दी। सब ट्राई किया उसने, दो दिन का एक हफ्ता खाना नहीं खाई उसने। कितने हिटलर है बाजी, सच्ची में हिटलर है। बिजनेस का नाम हिटलर ही रख के छोड़ी। अब भाई घर संभालता है तो डिसीजन भी वही लेगा ना। पहले तो साथी के आगे हमारे यहाँ कोई पढ़ता नहीं, आपकी वजह से तो मैट्रिक पास करा दिया, अब हम कॉलेज नहीं भेजेंगे, कॉलेज में लड़के रहते हैं, कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं है बोलेंगे, ये लड़की कॉलेज जाती है तो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ लड़कों से बातचीत तो करनी ही पड़ती है, एक ही क्लास में लड़के लड़कियाँ बैठती हैं। क्या करेंगी पढ़ के, कहाँ जाने वाली है, चूल्हा ही फूकना है उनको, पढ़ लिख के कौन सा ऑफिसर बनने वाली है। ज़्यादातर लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाती थी तो अंकल और हम जाके उन लोगों को बोलना कि चलो अभी आगे पढ़ाओ, थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। लड़कियाँ बिगड़ जाती है, ये होता है, तो फिर हम उनको बहुत समझाते, देखिए हम भी तो कॉलेज गए, हम तो उस जमाने इतने 25-30 साल पहले कॉलेज जाते थे जब तो और कम लड़कियाँ थी, अभी तो कितनी लड़कियाँ देखे, अभी आप देखेंगे तो कॉलेज में कितनी लड़कियाँ होती हैं। हम उनको कॉलेज ले गए, बताया कि देखो यहाँ कितनी लड़कियाँ रहती है, तो उसमें अगर आपकी एक लड़की रहेगी तो थोड़ी बिगड़ जाएगी। घर में जाएंगे डाँटी खाए, झुड़कियाँ खाए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, बोले 10 के बाद डाँटी खाएंगे दो तो राजी होंगे एटलीस्ट। हमने ज़्यादा लड़के लड़कियों को हमने गवर्नमेंट कॉलेज भेजा पढ़ने के लिए, वो भी इसलिए भेजा वहाँ कि वहाँ फीस कम है, बहुत फीस कम है, और दूसरा कि स्कूल कॉलेज जो है उनके घर के आसपास है, बस का किराया देना नहीं, और जब चाहे बच्ची को जाके देख करके आएंगे बच्चा स्कूल में है कि नहीं, लड़की क्लास में है कि नहीं है, ऐसे ही माँ बाप उनको शक होता था कि बच्चियाँ कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जाके चलो बाबा चलो साथ में चलो देख लो, ये भी करना पड़ा है। अचानक हमला करते जो जो वर्ड लिखते जाए वो पढ़ते भी जाओ। 2714 15 करे उसी ईयर में हमारी शादी हो गई, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाए, जबकि हमको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था और हम अच्छा खासा काम भी जानते थे फैशन डिज़ाइनिंग का, क्योंकि हमारे भाई टेलर थे, हम उनके साथ में मिलके दुकान चलाते थे उनकी। 11 के एंड में मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर मैं चली गई ससुराल, पढ़ाई में स्टॉप हो गई, स्टॉप होने के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो 20 days में विदिन अ मंथ निकल गए दुबई के लिए, फिर वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट ही बदल गया, उनका सेकेंड मैरिज हो गया था दुबई में तो वो परमानेंट हो गए, वो इधर आए नहीं। मेरे हस्बैंड की ना कपड़े पे मतलब गाड़ी पे ना कपड़ा रख के बेचते थे, कुछ ऐसी परेशानी आ गई थी रमज़ान के टाइम में, बिना बोले घर छोड़ के चले गए, अब वो इतना माल था ये आधा घर भर के माल हुआ, अगर मैं नहीं खड़ी रहूँगी तो माल कौन बेचेगा, दो पैसा कहाँ से आएगा, अगर पढ़ी लिखी रहती तो अपने घर में ट्यूशन डाल के बैठ जाती, चार बच्चों को पढ़ाती तो पैसा आता, शौहर अच्छा मिलता है तो नसीब चलो ज़िंदगी आसानी से कट गई, ससुराल अगर अच्छा नहीं मिला तो, आदमी अच्छा नहीं मिला तो। अंकल का खास करके ऐसा मेन मकसद रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाए, क्योंकि एक लड़की अगर शादी होकर के अपने पेरेंट्स के घर से निकलती है ससुराल जाती है तो वो ना कि सिर्फ अपने हस्बैंड को बल्कि पूरे ख़ानदान को पढ़ाती है, अगर एक लड़की पढ़ी लिखी रही तो। प्रॉफिट को सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई उसमें खुदा कहता है, खुदा ने कहा है कि पढ़ अपने रब के नाम से पढ़, इसलिए बिना पढ़े जो है कोई कह दे के बिना करे मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मैं साहिब इल्म हूँ, मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मैं कुदरत के शाहकार का मैं ये हूँ, मतलब उसका कुदरत के शाहकार को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। ख़ास हदीस है कि जब लड़का बेटा और बेटी में दोनों में किसी एक को पढ़ाना हो तो बेटी को पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो पूरा माशरा पढ़ेगा, पूरा ख़ानदान पढ़ेगा। ऐसा शख्स अल्लाह हर बस्ती में देवे ताकि ये माहौल चेंज हो जाए और हर मुसीबत के मारे एक सही रास्ते पे आ जाए। अभी हमारे 8 लाख की शादी है लेकिन वो बोलता है 1 रुपया हमारी शादी में खर्चा मत करो, किधर मस्जिद में जाओ हमारा निकाह पढ़ा दो,
पूरा पैसा एक पैसा हमारी शादी में खर्चा मत करो, जो भी पैसा है बोलता अम्मी सब दे दो बच्चों को जिसने उसके बाप ने उनको छोड़ा है, उनकी लाइफ बन जाएगी, जिंदगी उनकी सुधर जाएगी, वही मेरी लिए खुशी है सबसे बड़ी। इस पे से हमको अंदाजा लग गया कि ये अखलाक नहीं बोल रहा है बल्कि उसके होठ हल रहे और ये सब ये जो उसको दी हुई तालीम है ये अंकल की है। अगर वो ऐसी बस्ती में रहता था तो बोलता था हमको क्या करने का, उसके बाप ने छोड़ा हमसे, उससे हमको क्या मतलब, हमारी शादी तो जिंदगी में एक ही बार होने वाली है, जो भी खर्चा करना है वो आपको करना होगा। रेडियो बीबीसी रेडियो उसके वो कोई रिपोर्टर थे, कहने लगे आपका इंटरव्यू करना है, तो हमने पूछा कि ऐसा क्या है जो आप यहाँ आपको लाया है मेरे इंटरव्यू करने के लिए। बहुत चौंकाने वाली बात होने की, जोगेश्वरी का नाम बहुत ये है, बदनाम है बहुत, आप यहाँ बहुत दंगे फसाद होते हैं, यहाँ आप यहाँ किस तरह हिंदुओं को मुसलमानों को पढ़ाते हैं, दोनों ख़ानदानों में, दोनों तरह के संप्रदाय में, दोनों तरह के जो कौम है, दोनों कौम में लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं आप, कैसे आप मैनेज करते हैं जबकि यहाँ बहुत दंगे होते हैं, ये ज़रा ख़ास सबको देखना है, सुना हम लोगों ने। तो हमने उनको बताया साहब एक तो ऐसा है आप उनसे भी लोगों की तरह मिलिए, आप बहुत हटके मत मिलिए, आप उनमें एक बन जाइए फिर देखिए वो क्या है, वो यहाँ ठेले वाले, पान दुकान वाले, घड़ी वाले, वड़ा पाव बेचने वाले, केला वाले भैये, यूपी के, गुलबर्गा के, आपके कारवार के, रत्नागिरी के, एक बड़ा खूबसूरत पिक्चर यहाँ मिलता है, मेमन से मेमन लोग हैं, बिजनेस मैन, बिजनेस कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, बरवाड़ी, ये एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पे यह है, ये संगम है ये जगह जोगेश्वरी, क्यों बदनाम है हम नहीं जानते हैं, जोगेश्वरी का ये दाग जो है नाम पे कि दंगे होते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान, ये मिटना चाहिए और ये मिटेगा, एक नई पीढ़ी जन्म ले रही है, एक नया सूरज निकल रहा है, एक नई चमक है लोगों के दिलों में, बच्चे एक नए नए नया ये नई नस्ल पैदा हो रही है जो जो इन सब से दूर है, उसको दंगे फसाद नहीं चाहिए, उसको कंप्यूटर चाहिए, उसको करियर चाहिए, अच्छा घर चाहिए। शम्मा से हो मुझको मोहब्बत।